हेलो यस, आई एम लोकेश। वेलकम टू माय चैनल एंशिएंट हर्बल रेमेडी। वीडियो को शुरू करने से पहले हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन जो वीडियो में बता रहे हैं आपको अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप जैसे आप जानते हैं कि हम हमेशा एक मेडिसिन प्लांट को लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं, तो आज भी हम एक मेडिसिन प्लांट को लेके ही आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, शायद बहुत से हमारे भाई बंधु और इस बेल को जानते भी होंगे। ये एक लता होती है, ये एक वर्षीय लता होती है, सीजनल टाइम में होती है, उसके बाद फिर ये सूख जाती है। लेकिन जो इसका जो कंद होता है वो ज़मीन के अंदर रहता है। ये देखिए, इसका नाम है जंगली अंगूर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले व्यूअर्स, हम ये चाहते हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को भी प्रमोट करें, जिससे दूर दराज इलाकों में जो भी हमारे इंडियंस या हमारे जो भी फॉरनर्स इंडियंस जो रहते हैं वो भी हमारे पुरातन सभ्यता में जो आयुर्वेदिक पद्धति है उसको जाने, या हर किसी जो भी कोई हैं हमारे पूरे विश्व में ऑल ह्यूमन बींग्स, उन सभी के लिए हमने वीडियो बनाई है। वो सभी लोग प्लांट को जाने और इसका यूज भी करें और शायद करते भी होंगे। ये देखिए, तो अब हमारा बनाने का मेन मोटिव यह है कि जिन लोगों जो लोग इसके बारे में नहीं भी जानते हैं या किसी प्रकार से उनको नॉलेज कम भी है तो उनकी भी नॉलेज अपडेट हो और वो भी पूर्णतया जाने। ये देखिए, हम आपको ये पौधा दिखा रहे हैं। हमारे ये चैनल बनाने का मुख्य जो उद्देश्य है वो है कि हम नॉलेज को दूर दराज इलाकों तक सभी को पहुंचाएं और सभी लोग यूज़ करें मेडिसिन प्लांट्स को और बेनिफिट भी लें। हम ये हमारा बनाने का एम अपने चैनल की पब्लिसिटी नहीं है, हमारा एम ये है कि नॉलेज अपडेट हो और सब लोग मेडिसिन प्लांट का लाभ लें। तो आप देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं और ये पौधा है बहुत लंबी, एक ये बेल के टाइप में होता है। देखिए, बहुत लंबी बेल है, अभी देर आई हुई है, अभी इसमें अभी छोटी बेल है या नई बेल उगी हुई है, तो इसमें अभी प्लांट्स में जो फ्रूट हैं या सीड हैं वो आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, और हिंदी में इसको हम बोलते हैं जंगली अंगूर और अन्य भाषा में हिंदी में इसको गोलिंडा भी कहते हैं, कटी बेल, पानी बेल, और मराठी में इसे बोला जाता है ओकेला, नाडेना, मलयालम में वलिया, पिरपिरा, और तेलुगु में अदावी द्रक्षा, कन्नड़ में बिलियम्बू, बंगाली में गोवारिया लता, और संस्कृत में अमलवेता के नाम से जाना जाता है। और जो हमारे नेपाल है पड़ोसी देश, उसमें इसका नाम पुरैनी या पुरीनी बोला जाता है, और मिजोरम में वावम हरुई, जो इसका साइंटिफिक नेम है वो है एम्पेलोसिसस लैटीफोडिया। ये विटेसी फैमिली का प्लांट है, जिसमें हमारा जो ये अंगूर आता है उसकी ये सब फैमिली है। ये हमारे पूर्वी हिमालय है, आसाम और इंडिया, नेपाल, वेस्ट हिमालय और पाकिस्तान में पाया जाता है। अब यहाँ तक कि मॉडर्न जो हमारी मेडिसिन बन रही है उस मेडिसिन इससे भी बनाई जा रही है, इसमें भी इनका यूज हो रहा है। परंपरागत रूप से तो ये दवाइयों में यूज किया ही जाता है, जैसे आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, होम्योपैथिक है, और जो हमारे कभी गाय भैंस या जो हमारे पशु हैं अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उनकी भी दवाइयाँ इससे बनाई जाती हैं। आदिवासी लोग तो इसे बहुत बहुत बहुतायत से प्रयोग करते हैं, और इसे कुष्ठ रोग है या कोई जो हमारे शोधन के जो कार्य होते हैं आयुर्वेद में उनमें भी इसका यूज किया जाता है, और एक घाव भरने में भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके बॉडी पार्ट्स जो हैं उसमें घाव भरने में अन्य टाइप से भी यूज किए जाते हैं, और इसके बॉडी पार्ट्स कैसे यूज किए जाते हैं इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे कि कौन सा पार्ट जो है किस हमारी डिजीज़ में यूज होता है उसके लिए बनाएंगे। अभी तो हम आपको एक वो लिए इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, एक आउटलाइन दे रहे हैं। ये देखिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि
हमारी वीडियो भी उतनी लंबी ना बने, और एक पार्ट्स में हम आपको अलग अलग वीडियोस की एक सीरीज बना के दिखाएं, जिससे आपको आपका इंटरेस्ट भी बना रहे और कंटिन्यूटी भी बनी रहे। ये देखिए, और इसका जो प्रयोग है पेट दर्द, अगर किसी को पेट दर्द की समस्या है तो उसमें भी किया जाता है, और अगर किसी की हड्डी टूट गई है तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। हाथ पाँव की अगर हड्डी की फ्रैक्चर हो गई हो और अतिसार है, और जैसे ल्यूकोरिया है उसमें भी ये विशेष लाभकारी होता है। देखिए इसकी पत्तियां दिखा रहे हैं हम आपको, ये देखिए इस टाइप की पत्तियां होती हैं। आपके हमारे जो देश में या बाहर भी कुछ बड़े बुजुर्ग हैं या जो भी, उन्होंने ये चीज़ें जानते भी होंगे, देखी भी होंगी। देखिए ये तो नीम वैद्य के नुस्खे हैं, हम चाहते हैं कि सभी लोग आप लोग जिसको जाने और अपडेट रहें। और व्यूअर्स, हमारे पास आपके व्यूज़ और सब्सक्रिप्शन कुछ बढ़ के आए तो हमें भी ऐसा लगेगा कि आपको हमारे द्वारा बताई गई नॉलेज अच्छी लग रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।